हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम एक टी टाइम केक की रेसिपी देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एगलेस टी टाइम वॉलनट अंडेट केक कैसे बनाते हैं और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंडक्शन कुकटॉप लिया है और उसमें मैंने एक सॉस पैन रखा है। उसमें मैं डाल रही हूँ दूध 1 कप और इसे मैं थोड़ा गरम करूंगी। उसके बाद मैंने कुछ खजूर यानी कि डेट्स ले लिए हैं और सारे बीजों को मैंने निकाल दिया है। दूध को थोड़ा सा गरम कर लिया है और डीसीडेड डेट्स को मैंने डाल दिया है दूध में। दूध को थोड़ा रोलिंग बॉयल पे लाएंगे और डेट्स को सोक होने देंगे अच्छे से कुछ टाइम तक दूध में ही, और फिर हम इंडक्शन कुकटॉप को बंद कर देंगे। इसके बाद जैसे ही दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, एक बोल में हम डेट और दूध का मिक्सचर ले लेंगे। फिर हम उसमें पानी डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा विनेगर डालेंगे इसमें और कर्डल होने देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे एक विस्क से। जैसे ही कर्डल हो जाएगा दूध और डेट्स का मिक्सचर, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। कोई भी रिफाइंड फ्लेवर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है वैनिला एसेंस और मैंने डाला है पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मैं मिला रही हूँ इसे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की बारी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने छन्नी लगाया है और उसमें मैंने डाला है मैदा। आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने बारी बारी से राइजिंग एजेंट्स डाला है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक चुटकी नमक मिठास को काटने के लिए। इन सारे चीज़ों को अच्छे से छान लूँगी और इसके बाद हैंड विस्क की मदद से ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन करूँगी। इसे तब तक मिलाना है जब तक कि हमारा बैटर लम्प फ्री ना हो जाए। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। अब मैंने इसमें वॉलनट्स डाला है। 1/3 कप वॉलनट्स लिया है। कुछ मैंने अभी डाला है बैटर में और उसे फोल्ड इन कर लिया है अच्छे से। विगरसरी नहीं मिलाना है, जेंटली फोल्ड इन करना है। और बाकी के वॉलनट्स मैंने ऊपर से डालने के लिए रखा है। कई सारी ज़रूरी चीज़ों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ज़रूर चेक करें। अब मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज़ का लोफ टिन लिया है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ तेल की मदद से और एक ब्रश की मदद से, और बनाए हुए बैटर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ऊपर से थोड़ा लेवल आउट कर ले रही हूँ एक स्पैचुला की मदद से, और जो बचे हुए हमारे चॉप वॉलनट्स थे ऊपर से मैं इसे डाल दूंगी। ज़रूर अवन को प्रीहीट कर ले 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत ज़रूरी स्टेप है ये। और उसके बाद हम मैं इसे बेक करने के लिए रखूंगी 40 से 50 मिनट तक, या तब तक जब तक कि सेंटर में आप स्क्यूअर डालेंगे और ये क्लीन ना निकले। केक हमारा बनके तैयार है और इसे मैं कूल डाउन कर लूँगी 15 से 20 मिनट टिन में ही, और फिर इसे डीमोल्ड करूँगी। साइड्स में मैंने चाकू चला लिया है और लूज़न कर लिया है, और फिर मैं इसे एक प्लेट पर डीमोल्ड कर लूँगी। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही केक को सर्व करें। ये देखिए, अब हमारा जो केक है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे कट करूंगी एक सेरेटेड नाइफ से। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही डिलीशियस बनता है। ज़रूर ट्राई करें इसे गाइस। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।